गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो आज हम सुबह सुबह पहुंच चुके हैं हर की पौड़ी, जैसे कि आपने अभी बहुत सुंदर व्यू देखे हैं। और हम जा रहे हैं ऋषिकेश, हमें ऋषिकेश नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं नीलकंठ महादेव मंदिर, जो कि यहां से पड़ेगा 50 किलोमीटर, अप्रोक्स 50 किलोमीटर। तो आज की जर्नी वहीं की रहेगी और आपको वहाँ के दर्शन कराऊँगा। तो हरिद्वार से पहले हम पहुँचेंगे ऋषिकेश, जो कि पड़ेगा अप्रोक्स 23 किलोमीटर। तो मिलते हैं आगे ऋषिकेश में। तो फाइनली हम ऋषिकेश पहुंच चुके हैं, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, या मेरे पीछे देख सकते हैं राम झूला है। और व्यू देखिए बहुत ही सुंदर है। अभी बजे हैं 7:30 और हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश। हमने अब यहां से गंगा जल भरना है, गंगा जल लेके हम निकलेंगे नीलकंठ महाराज के, नीलकंठ महादेव मंदिर के लिए। तो चलिए गंगा जल भरते हैं और आपको रास्ता दिखाते हैं, सुंदर सुंदर व्यूज दिखाते हैं। सो गाइस, व्यू देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और आज तो भगवान भी मेहरबान है, शुक्र है धूप नहीं है। और हम ऋषिकेश पहुंच चुके हैं। टाइम क्या हुआ हिमांशु? 7:50। तो आज मेरा ब्लॉगिंग का जो पार्टनर है ये है हिमांशु, से हाय। तो ये क्या ले रखा है? कैन। क्या करना है इसका? जल भरना है। जल भर के क्या करेंगे? नीलकंठ। चलो, बहुत जन्नत है यार। अगर आप ऋषिकेश आ रहे हैं तो वैसे मैं आपको बता दूं कि जो इस टाइम पब्लिक आ रही है वो भर भर के आ रही है। और अगर आप ऋषिकेश या हरिद्वार आना चाहते हैं, आपको पता ही है, पुरानी वीडियोस में मैंने आपको बताया ही है, जैसे कि एंटीजन और कोविड टेस्ट जो भी नेगेटिव आप ला सकते हैं, रैपिड हो या RT-PCR। और आपको ये भी बता दूं कि रायवाला में जैसे ही आप एंटर करते हैं, वहाँ पे चेक पॉइंट है जहाँ पे आपका, अगर आपके पास रिपोर्ट नहीं है तो एंटीजन रिपोर्ट आपको या रैपिड वहाँ पे आपका टेस्ट होगा। तो ट्राई करिए कि साथ ही लेके आए कि आपको दिक्कत ना हो। तो जब तक आप व्यू इन्जॉय कीजिए। चलो हिमांशु, आराम से, ठीक है, गिर मत जाइए भाई। वैसे मेरे को आता है तैरना, बचा लूँगा मैं तेरे को। रेत बहुत है यार भाई, तो सुंदर नहीं आ रहा। ये सुंदर इसलिए नहीं आ रहा है कि बारिश हुई है पहाड़ों पर, हाँ उसी की वजह से ये रेत आ रही है इसमें। हमको भी बोला है दो आदमी का, दो कटिया ले आ रहा, लेके आ जाइए यार, बात नहीं है यार, ले जाओ, गंगा मैया है, ले जाओ, रेत नीचे बैठ जाएगी। तो ये भाई हमारी हेल्प कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे जाके जल भरेंगे क्योंकि पानी में रेत बहुत ज़्यादा है। ये हम जल भर रहे हैं नीलकंठ के लिए, वहाँ पे शिवलिंग पे चढ़ाएंगे। सब कुछ बराबर है, पैसे वाले और गरीब यहाँ पर आके टेबल होती है। बिल्कुल जी बिल्कुल, गरीब और पैसे वाले सब बराबर हैं, टेबल है, मोट सबके लिए बराबर है, गंगा सबके लिए बराबर है। सही बात है, गंगा का घाट पैसे वाले के लिए अलग से नहीं बना हुआ। बिल्कुल जी, आदमी का भरा नहीं, पैसे वाला नहीं। तो गंगा जल हमने भर लिया है, तो अब हम रेडी हैं, गुड टू गो हैं। तो अब चल पड़े हैं दोबारा नीलकंठ महाराज, नीलकंठ महादेव के लिए। और एक पैसे दे दे इसको। तो साथ ही साथ यहाँ से अप्रोक्स पड़ता है 23 या 25 किलोमीटर अप्रोक्स बता रहा हूँ, जो कि अब रहेगा हमारा 1 घंटे का ड्राइव रहेगा और उससे भी कम रहेगा। तो चलिए अब आपको वादियों का सफ़र कर।
बहुत आगे तक है ये। बाइक होने का हिमांशु, बाइक होने का एक ही फायदा, बाइक किधर से भी निकाल के ले जाओ, है ना। कार में तो 2-3 घंटे हम प्लान बना रहे थे कार में आने का, बट मौसम देखा, वेदर फोरकास्ट देखा हमने, कुछ नहीं। फिर हमने सोचा कि स्विच टू मोटरसाइकिल, हमने मोटरसाइकिल का प्लान बनाया कि बाइक पे जाएंगे, बुलेट पे जाएंगे, नहीं सॉरी बोल्ट पे जाएंगे। आ रहे हैं हिमांशु की बुलेट पे, नहीं 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 माफ करना, अगर मैं बुलेट कह देता हूँ ना तो ये बहुत गुस्सा करता है, तो हिमांशु, तो हम जा रहे हैं हिमांशु की बुलेट पे। टू बी ऑनेस्ट विद यू गाइस, हमने सोचा था आज संडे है और मार्केट रहेगा बंद, रश बंद होगा, हिमांशु ब्रदर भैया से पैदल चले जाते, पैदल चले जाते, बात पैदल ही नहीं है तो बात करें। एक तो लॉकडाउन खुल चुका है, अनलॉक हो गया, लोग कब गए थे घर पे बैठे बैठे, लेकिन बैठना चाहिए था। आप जैसे प्रशासन ने उत्तराखंड खोला है तो लोगों के व्यवहार देखिएगा, ये 3 स्टेट आ रहे हैं, या तो दिल्ली से आ रहे हैं, यूपी और हरियाणा, बस यही आए जा रहे हैं क्योंकि पास में ही पड़ता है। ठीक है, अच्छी बात है, लोकल मार्केट के लिए अच्छा है। चल भाई पहन अपना हेलमेट और निकाल अपना सांड, चलें। ये देखो आजकल की जनता को देख लो, ये यंग ब्लड टीनेजर्स अपने मास्क भूल जाते हैं। ये मिल गया फाइनली जादू। चलो ना, ये घेरूंगा भाई, ये मेरे को बोलता है कि ये नहीं घेरना, अगर मैं अच्छा दिखूं तभी डालना, और मैं इसको सब डालूंगा, इसके सारे फुटेज जितना ब्लॉग में आएगा सब डालूंगा। गुड बॉय, चलो हेलमेट बहुत जरूरी है, और मैं आपको पहले मैं आप गाइस बताना चाहता हूँ, चेकिंग बहुत बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चल रही है। जैसे आप एंट्री करेंगे ऋषिकेश में और शिवपुरी में जाने के लिए एंट्री करेंगे, वहीं पे आपका एंटीजन टेस्ट होगा, रैपिड टेस्ट हो रहा है अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो। आपको मैंने अभी जैसे दिखाया इतना भीड़ है, ये भीड़ इसलिए थी, जाम इसलिए था क्योंकि वहाँ पे रैपिड टेस्ट चल रहे थे कोरोना के। अगर नहीं है रिपोर्ट, टेस्ट होगा, रिपोर्ट मिलेगी तभी आगे जाएंगे, और अगर आप पॉजिटिव आ जाते हैं वहीं से वापस, या आपको आइसोलेट कर दिया जाएगा। तो रिपोर्ट लेके इतना सुंदर है उत्तराखंड, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। तो मेरी एक ही अपील है आप लोगों से, क्यों हिमांशु इधर आ, कि अपने लोकल टूरिज्म को सपोर्ट करना चाहिए। हम लोग सोचते हैं चलो गोवा, चलो गोवा भी लोकल ही, इंडियन ही है, ये वाला काट देंगे। तो हम लोग सोचते हैं यार चलो पासपोर्ट बनाते हैं, यहाँ चलते हैं, वहाँ जाते हैं, विदेश में, ओवरसीज में। यहाँ देखिए यार स्विट्ज़रलैंड तो यही है ना, क्यों हिमांशु सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही भैया। तू कहाँ कहाँ गया आज तक? बद्रीनाथ। कितनी बार गया बद्रीनाथ? बद्रीनाथ एक बार। बाइक पे जाता है तू हर बार? ये देखो ये जनाब अभी 18 साल के हुए हैं, 19 साल के हुए हैं और ट्रैवल शुरू कर चुके हैं, और इसका भी नया ब्लॉग चैनल कह रहा है मैं शुरू करूंगा भैया, तो एक्सपीरियंस के लिए मेरे साथ आया है। तो मैं कहता गाड़ी उठाएंगे, ये कहता नहीं भैया मेरी बुलेट पे जाएंगे। तो आपको अब दिखाते हैं एक चीज, ये देखिए बस, वो देखो फोग देखो ऊपर, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो चलिए फिर यहाँ पे करता हूँ ये बंद और थोड़ा आगे चलते हैं, बिकॉज वी आर हेडिंग बहुत ज़्यादा तेज और हम फंस गए हैं 20 किलोमीटर पहले ही नीलकंठ महादेव मंदिर पे पहुँचने से पहले ही। तो अभी हम रुके हैं चाय पीने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको दिखाएं कहाँ रुके। एक ही टपड़ी है, पता नहीं आप लोग क्या बोलते होंगे, हमारे भी टपड़ी नहीं बोलते, हमारे चाय की दुकान ही बोल देते हैं हमारे हरिद्वार वाले। तो दो चाय ऑर्डर कर चुके हैं,
क्या कर सकते हैं, बारिश चाय कॉम्बिनेशन बहुत ग्रेट है। हम बहुत दिन से बोले थे ये देखो कितना अच्छा मौसम है, ये कितना प्यारा, लो चलो कोई बात नहीं। होपफुली ये हमारी चाय लेके आ गए हैं, ये जो इंसान चाय लेके आ रहे हैं बहुत ही रंगीन बंदे हैं, जो हमें कहते हैं जाओ और मौज करो, नीलकंठ मौज नहीं करो, नीलकंठ दरबार पे जाके सीधा अपना माथा पटको, नहीं माथा तो कहीं और पटकना था बाबा, माथा कहाँ पटकना है उसकी बात जरा। आप कह रहे थे ना नीलकंठ मंदिर में जाके, नहीं नहीं ये मंदिर है यहाँ पे पीछे, अच्छा यहाँ पे भी एक मंदिर है, अच्छा ये वाले की बात कर रहे हैं क्या, ये मेन मंदिर है, नहीं मंदिर ही नहीं मिलेगा, और वो जो ऊपर है वो तो पूरा भूत है, क्या है भूत, भूत बता दिया, चलो ठीक है बाबा जाओ, थैंक यू चाय लाने के लिए। भाई ये बाबा जी ने तो कह दिया वो तो भूत है वहाँ पे, नहीं ये थोड़ा दिमागी तौर पे थोड़ा हिले हुए हैं और कुछ नहीं है, ठीक है तो ज्यादा माइंड मत करना, हिमांशु को लग गया है डर, हिमांशु को डर लग रहा है, हिमांशु डर लग रहा है, हिमांशु को लग रहा है डर, क्योंकि जब जहाँ तक गया हूँ आज तक किसी ने नहीं बोला कि भूत है, मैंने पहली बार सुना है भूत, मैं पांच बार पहले आ चुका हूँ, पांच बार एक नहीं पांच बार। तो अब हम चाय पी के निकल चुके हैं और बारिश हो चुकी है हल्की, तो गाइस बारिश बहुत तेज़ हो रही है और जैसे कि आप हमें देख सकते हैं हम पूरा भीग चुके हैं, चलो वैसे बारिश में भीगने का भी स्वाद अलग ही है, और जैसे आप गाइज फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नीलकंठ महादेव मंदिर पे, थोड़ा भी आउटर पे ही है जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी हुई है, ये जो है टैक्सी स्टैंड है, जो भी टैक्सी वगैरह से आते हैं गाड़ियों से आते हैं वहीं पे रुकते हैं, और थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको पार्किंग भी मिलेगी। और हिमांशु को लग रही है ठंड क्योंकि यही बाइक चला रहा था, मैं तो ब्लॉगिंग कर रहा था पीछे और सारा आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रहा था, और बहुत बारिश हो रही थी, जैसे ही हम ऊपर आए एकदम से बारिश बंद। मानशु ठंड लग रही है क्या, मज़ा फुल लग रहा है, फुल लग रही है, मज़ा आया, मज़ा तो आया जी हाँ, अभी इसने अपनी शर्ट उतार के पूरा पानी उसको निचोड़ा, कहता भैया कहता भैया भैया ये वीडियो बंद बनाना, मैंने कहा तू ये जिम जा रहा है ना आजकल तो इसकी बॉडी बहुत अच्छी है, नहीं जा रहा है चल फिर आगे। तो चलो भाई थोड़ा बताओ फिर प्रसाद के बारे में, कौन कौन कितने कितने का है प्रसाद भाई, ये 101 वाला है, ये 250 वाला है, ये लोग इसमें यंत्रमाला डमरू घर के लिए मिलेगा, अच्छा बाकी शायद गुलाबगंज नागरा में चढ़ जाएगा वहाँ पे, यंत्रमाला डमरू घर के लिए मिलेगा। कल्लू बेटा गंगा जल यहाँ मिलता है, गाइस ये मेरे को बोल रहा था गंगा जल ऊपर मिलेगा नहीं भाई, गंगा जल नहीं है भाई, ये देख लो पहले गंगा जल आएगा, ये गंगा जल ही तो और क्या है, इतने से क्या होगा, गुलाब जल है, पूजा जल ही है, पूजा जल है, गंगा जल है, गंगा जल ही है, प्योर है भाई, देख तो लो गंगा जल आएगा भाई, ये अरे बड़े भाई प्योर है वो, अपने हाथ वाला सही है, अच्छा तो कौन सा ले रहा है मानशु, मैं तो एक ले लूंगा, चढ़ना तो जल्दी है, ले 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 लो चढ़ना जल्दी है, तो भाई दे दे यार एक, कौन सा ले रहे हैं यार, भी रखेंगे आप ये ले लेगा लाई, ये लेना है उसमें घर का सामान, अरे कहाँ कौन लेके जाएगा यार, कहाँ रखेंगे तो भाई हमने लिया है 100 वाला, नाम क्या भाई आपका, प्रदीप, अगर जो भी आएगा तो ये भाई इनका बाहर ही है स्टॉल, जैसे ये देखो बाइक स्टैंड भी, ये बाइक का केयर भी कर लेते हैं, शूज भी यहाँ पे रख सकते हैं आप,
और प्रसाद इनसे लिए। चलो मंदिर की सीढ़ियां, और अभी हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। कल्लू भैया साहब ने, सॉरी कल्लू नहीं, कल्लू बिल्कुल नहीं जाना है, म्यूट करना, म्यूट। हाँ, ये हिमांशु, हिमांशु मैं तेरा नाम भूल जाता हूँ, म्यूट ही करता हूँ। हाँ चलो ठीक है, म्यूट कर दूंगा। तो अब हमने एक ही थाली ली है, मापा चल रहा है, हम ऐसे मापा चल रहा है। हाँ भीड़ है, रश देख सकते हैं, यहीं से लाइन लग रहे हैं। हमने यात्रा पूरी कर ली है, बहुत ही रश था। और अगर आप भी नीलकंठ महादेव मंदिर आना चाहते हैं तो कृपया करके मंदिर परिसर में या कहीं भी जहाँ भीड़ भाड़ हो मास्क पहने। आज हमने देखा ये बहुत ज़्यादा चालान कट रहे थे। और बाकी हम, मेरा दोस्त छोटा भाई हिमांशु बताएगा। हिमांशु क्या क्या हो रहा था वहाँ पे? थप्पड़ पड़ रहा था भैया, थप्पड़। किसके पड़े थे थप्पड़? मारे नहीं पड़े ना, दूसरों के। भाई तो जैसे कि हमने यात्रा पूरी कर ली है अपनी, और साथ ही साथ अभी लगी थी थोड़ी भूख, और अभी खा रहे हैं हम मैगी, मैं और हिमांशु, साथ में चाय भी है। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप उत्तराखंड आते हैं, स्पेशली हरिद्वार इस तीर्थ स्थल पे जाते हैं, तो कृपया करके वहाँ पे शराब ना पिए, हाथ जोड़ के विनती है। और अगर आप मंदिर में जा रहे हैं, किसी प्राचीन मंदिर में जा रहे हैं, तो कृपया करके मास्क पहने। आज बहुत ज़्यादा चालान कट रहे थे, इतनी भीड़ थी, किसी ने मास्क नहीं पहन रखा था। तो अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं अदर स्टेट से हैं, तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि घर में आके गंदगी मत फैलाएं, शराब दारू ये मत पिए। शराब और दारू में क्या अंतर है बोलने में? क्या है साले, काटना पड़ेगा मेरे को, ज़्यादा मेहनत करवाएगा तू, तो भी कुछ बोल ले। तो बस यही कहना है। हाँ मुझे भूख लग रही है मैगी खाने में, बहुत तेज। बाय। चलो बाय।